काफी गंभीर है, पूरी जानकारी बता दीजिए किस तरीके से क्या। आज करीब 10:15 बजे के आसपास, रात्रि 10:15 बजे के आसपास एक इनोवा गाड़ी वर्ली से बांद्रा की तरफ नॉर्थ बाउंड की दिशा में जा रही थी और सी लिंक पर टोल प्लाजा से करीब 100 मीटर पहले उसने एक मर्सिडीज गाड़ी को डैश मारा और वहां से डैश मारने के बाद उसकी स्पीड उसने तेज किया और आगे आकर के उसने 2-3 गाड़ियों को टोल प्लाजा से जल्दी में निकलने के लिए टोल प्लाजा पे उसने धड़क मारा और उस दरमियान गाड़ियों को टक्कर लगी। इस पूरी घटना में मर्सिडीज गाड़ी जिसको पहले टक्कर मारा था उसको और जो गाड़ी ने टक्कर मारा है, इन दोनों गाड़ियों को मिला करके टोटल 6 गाड़ियां इन्वॉल्व हैं जिनको डैश लगा है। और इस दरमियान अभी तक टोटल 9 लोग जख्मी हैं जिसमें से 3 सीरियस थे, 3 सीरियस में से 3 सीरियस थे उनका डेथ हुआ है और उसमें 2 महिला और 1 पुरुष है। बाकी 6 लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है और उसमें 4 लोग स्टेबल हैं, 2 अभी सीरियस हैं जिसमें से 1 को लीलावती हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, बाकी 5 फिलहाल भाभा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मुंबई पुलिस इसमें किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन करेगी, ड्राइवर्स की हालत किस तरीके से है, क्या इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से? अभी ड्राइवर भी जख्मी है और उसको भाभा हॉस्पिटल में उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चालू है, बाकी जैसी घटना है उसका उसी तरीके से संज्ञान लेकर के इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो घटना को अंजाम दिया सर, वो कौन है शख्स, वो क्या करता? जैसा कि मैंने बताया एक इनोवा गाड़ी थी, उस इनोवा गाड़ी में 7 लोग हैं और उसमें ड्राइवर को इंक्लूड करके 7 लोग हैं। उस इनोवा गाड़ी ने डैश मारा है और आगे का जो भी है वो तपास में निष्पन्न होगा। कुछ नाम सामने आएगा अभी इस घटना में, अगला तपास चालू है, बाकी हम सब चीजें कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी जो जख्मी है उनको इलाज के लिए हमारा पूरा फोकस है जिससे कि उनकी जो बचे लोग हैं उनकी जान बचाई जा सके। जो मृतक हैं सर वो मुंबई के थे या फिर बाहर के? अभी उसके बारे में डिटेल तपास के बाद कुछ कंफर्म किया जा सकता है। थैंक यू।